सो हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, रोज़ एवाइटी हियर। कैसे हो सभी लोग? और आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कशन ड्रैगन बॉल लेजेंड्स के बारे में। और मेरे साथ है कुछ गेस्ट आज की वीडियो में, जो हैं लीजन वाईटी, थंडर वर्ल्ड, आईएनडी पिकोलोसान, और गेम प्ले प्रोवाइड कर रहे हैं पीजीजी आईएनडी और अल्ट्रा एचएक्स। सो हम लोग करने वाले हैं लेजेंड्स के बारे में बात। सो आज का पहला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि लेजेंड्स में कैसा एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों का अभी तक, और कितना टाइम से खेल रहे हो आप ये गेम? सो दिस इज लीजेंड गाइस। सो बीच में मैंने एक्चुअली गेम खेलना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे टाइम मिल रहा था, तो अभी रिसेंट में मैंने फिर से स्टार्ट किया क्योंकि काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किया है गेम में। F2P लेजेंड्स लिमिटेड से इनकाई ला रहे हैं लोग। ओवरऑल अगर F2P एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है इन लोगों ने। मैं लेजेंड्स में आया था 2019 में। एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था ये गेम, क्योंकि मैं उस टाइम पे तो बोर हो गया था गेम खेल के, FPS बेस्ड गेम खेल के बोर हो गया था। मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करूँ, तो फिर मैंने DB लेजेंड्स डाउनलोड किया। उस टाइम पे ये काफ़ी डिफरेंट गेम था अदर गेम से, और मुझे लगता नहीं कि इस टाइप का कोई कार्ड गेम अवेलेबल भी है प्ले स्टोर पे, क्योंकि इसमें काफ़ी डिफरेंट मैकेनिक्स यूज किए गए इस गेम में। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा इस गेम को लेके, और फ्यूचर में मैं अपना गेम अकाउंट कंटिन्यू रखूँ। सो दैट्स माय ओपिनियन। तो मैं अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ तो मैंने स्टार्ट किया था सेकेंड एनिवर्सरी में, जब वेजिटो ब्लू आया था। और उस टाइम पे मुझे आता भी नहीं था ज़्यादा खेलना, बस समन करना ही एक सही से आता था, तो मैंने किया। उसमें मुझे मिल भी गया वो, तो उसने बहुत हेल्प की थी उस टाइम। उससे मैंने सीखा फिर कैसे PvP और कैसे स्टोरी मोड ये सब कंप्लीट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, फिर अभी तो जैसा चल रहा है बहुत गेम भी बहुत इम्प्रूव हो गया है, एनिमेशन और ये सब में, तो वो मुझे अच्छा लगता है इस गेम में, और एक्सपीरियंस की वजह से और अच्छा लगता है। डीवीएल मुझे खेलते हुए करीब हो गए हैं हाफ एन ईयर, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस बोले तो हाँ सही है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे गेम के साथ, ग्राफिक वाइज या इसे गेम मोड बोल लो, काफ़ी अच्छा गेम है। तो नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, वो है ज़ेनकाई से रिलेटेड। सो अभी तक गेम में काफी सारे हमें नॉर्मल स्पार्किंग और ज़ेनकाई हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि लेजेंड्स वाले हमें काफी ज़ेनकाई फ्री में दे रहे हैं अब। सो करेंटली गेम में आपकी क्या फेवरेट यूनिट्स हैं नॉर्मल स्पार्किंग में से और ज़ेनकाई यूनिट में से फेवरेट यूनिट्स हैं? सो फेवरेट यूनिट की बात करूँ तो मेरी फेवरेट यूनिट तो सुपर वेजिटो है, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम आया था ऑलरेडी इतना ब्रोकन था, उसके बाद ज़ेनकाई के बाद भी फेयरली बैलेंस यूनिट कह सकते हैं इसको, काफ़ी अच्छे बफ्स दे दिए इसको ज़ेनकाई के बाद। और फर्स्ट टाइम मेरी फेवरेट यूनिट थी जब सेकेंड एनिवर्सरी की वेजिटो ब्लू, क्योंकि उस टाइम पे मैंने काफ़ी CC सेव किए थे, जब मुझे पता चला कि वेजिटो ब्लू आ रहा है तो मैंने समन किया था, उसमें मुझे 4 बार वेजिटो मिला था, लकली साफ नहीं हुआ था मेरा उस पर, तो काफ़ी अच्छा रहा था मेरा समन सेकेंड एनिवर्सरी का। फर्स्ट फेवरेट यूनिट तो मेरी वेजिटो ब्लू है, और ज़ेनकाई की बात करूँ तो मेरी सुपर वेजिटो है। मेरा फेवरेट LF तो UI गोकू है, क्योंकि जैसे कि मैंने उस पर बहुत मेहनत की थी, क्योंकि मैंने DBS सुपर जो है ड्रैगन बॉल सुपर वो पहली बार मतलब जैसे देखा था, तो मुझे वो देख के ही बहुत अच्छा लगा था, तो UI गोकू एक अच्छा मुझे लगता है। और ज़ेनकाई में बोलूँ तो मेरा फर्स्ट ज़ेनकाई जो था SSV गोकू, वो मुझे फेवरेट है मेरा, क्योंकि उससे मैंने बहुत अच्छे मोमेंट मतलब PvP में मोमेंट बहुत अच्छे खेले, और अच्छा भी लगता है उसके बाद खेल। डीबिल की फेवरेट यूनिट देखे तो मेरी फेवरेट तो एक ही है, LF गोजिटा ब्लू येलो वाला, येलो यूनिट वो सबसे फेवरेट है मेरी। अगर ज़ेनकाई में कहें तो LF1 रेड वाला, लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला, वो बेस्ट लगता है मेरे को। और नॉन ज़ेनकाई में अपना जो रिसेंटली भी आया था रोजे येलो, वो बढ़िया लगता है, काफी अच्छा है। तो बात करते हैं करंट मेटा के ऊपर, जैसे कि हम लोग पता है मोनो पर्पल अभी चल रहे हैं सेंस की टीम, और LOE को काफी बफ दे रहे हैं ये लेजेंड्स वाले, और साथ में अल्ट्रा गोगेटा भी रिसेंटली लॉन्च किया इन लोगों ने, तो अभी आप लोगों का क्या ओपिनियन है करंट मेटा पे इस चीज के ऊपर? सो करंटली मोनो पर्पल चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम
दिसंबर में जब से टैग यूनिट का इन लोगों ने इंक्लूड किया है, टैग यूनिट्स सेकंड यूनिट से स्विच कर सकते हैं और वो एलिमेंट रिवर्स कर सकता है आपका कैरेक्टर, तो वहाँ से तो फिर मोनो पर्पल चल रहा है अभी तो मेटा में। और उसके बाद से इन लोगों ने ऑलरेडी अल्ट्रा फर्स्ट अल्ट्रा समोनेबल यूनिट निकाली थी, उसके बाद इन लोगों ने अल्ट्रा गोजीटा, उसके बाद से फिर लोग अल्ट्रा गोजीटा के साथ मोनो पर्पल चला रहे हैं। मेरा ओपिनियन रहेगा कि काफ़ी जो न्यू प्लेयर्स हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत है इस समय फिलहाल, तो जैसे जैसे आप रैंक ऊपर जाएंगे, रैंक 10,000 आरपी के ऊपर, तो आपको सब मोनो पर्पल ही दिखेंगे, वो यही मेरा ओपिनियन इस पे। तो मोनो पर्पल तो बहुत परेशान करता है पीवीपी, मतलब क्या बताऊँ, उसमें जब उसमें तो मेन तो ये टैग गोकू और वेजिटा और ये जेंकाई जो अभी मिल गया सुपर वेजिटो, वो बहुत खतरनाक है। मतलब पीवीपी में अगर आपने एक छोटे भी गलती कर दी तो वो खत्म कर सकते हैं आपके यूनिट को, तो बहुत न्यू प्लेयर्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल रहता है। और तो हार्ड ही है वैसे पीवीपी, मतलब मीडियम प्लेयर जो ढंग से अभी वो भी नहीं खेल पाते उनके लिए तो प्रॉब्लम रहती है, एवरेज रहते हैं। अगर स्मिटा के बारे में बोलूँ तो ज़्यादा हो गया है मोनो पर्पल, हर जगह मोनो पर्पल, जब भी पी एफ में जाओ हर कोई मोनो पर्पल यूज़ कर रहा है। तो अब जैसे बीच में ही बार्डोक आया LF येलो यूनिट, तो ऐसे लगा कि मोनो पर्पल अब ब्रेक होगा, मेटा ब्रेक होगा, तो कोई खास रहा नहीं वो यूनिट। LOE के बारे में बोले तो हाँ, LOE को अब धीरे धीरे बफ मिल रहा है अच्छा खासा, बहुत से पी एफ में अब देख रहा हूँ थोड़ा बहुत लोग LOE की तरफ जा रहे हैं, अच्छा है कोई अगर LOE को अच्छा बफ मिल रहा है अच्छी बात है, तो LF आया LOE में अच्छा वाला तो बेटर है। सो नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, वो है बेस्ट टीम से रिलेटेड। सो अभी जिस तरह का करंट मेटा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या लगता है कि F2P के लिए क्या बेस्ट टीम्स रहेंगी अभी करंटली जो मेटा चल रहा है? तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा इस पे कि एंटी सेंस की टीम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली इन लोगों ने F2P एंड्रॉइड्स की यूनिट निकाली, काफ़ी अच्छे स्टेट्स दिए दोनों यूनिट को, एंड्रॉयड 21 और एंड्रॉयड 18 के, और मुझे इस बात से काफ़ी अच्छा लगा कि इन लोगों ने F2P यूनिट्स के स्टैट्स काफ़ी डिसेंट कर रहे हैं करंट मेटा में, क्योंकि लेटली अगर देखा जाए पहले काफ़ी लो रहते थे F2P यूनिट्स के स्टैट्स, और अब ये लोग काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं F2P यूनिट्स को। वो मेरा ओपिनियन रहेगा या तो फिर वो LOE यूज़ करे, लाइनेज ऑफ यूएल और या तो एंड्रॉयड, दो ही ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन मेरा रहेगा कि या तो अगर उनके पास रीजन की कुछ यूनिट्स अगर उनके पास है तो रीजन यूज़ कर सकते हैं, वैसे बेस्ट रहेगा कि वो F2P LOE यूज़ कर सकते हैं सेंस के अगेंस्ट। मेरा ओपिनियन तो ये रहेगा कि ये लेजेंड्स ने ईयर 2021 में बहुत हेल्प किया है फ्री टू प्ले को। मैं जैसे बताऊं कि इनने एक तो पहले ये बैटल गाउंटलेट और मतलब फ्री CC जो देते हैं और फ्री टू प्ले जो करेक्टर्स निकले हैं, और इनने और भी बहुत सारे दिए हैं फ्री टू प्ले प्लेयर्स को करेक्टर्स, जैसे अभी 18 करेक्टर्स इनने फ्री में अभी दिए थे जो 14 स्टार तक कर सकते हैं, उसमें एक्सट्रीम भी थे, स्पार्कलिंग भी थे, तो वो बहुत हेल्प किया है लेजेंड में और फ्री टू प्ले के लिए, और पहले से तो बहुत अच्छा कर दिया है फ्री टू प्ले के लिए, और तो बस यही। अभी की मेटा के लिए काउंटर करने के लिए बेस्ट टीम मैं तो चाहता हूँ यूज करता हूँ फ्यूचर रीजन, वो बेस्ट टीम से अभी ये मोनो पर्पल को बीट करने के लिए काफी अच्छी टीम है दोनों। सो अब बात करते हैं LF यूनिट्स के बारे में जो कि होती है गेम में लेजेंड्स लिमिटेड यूनिट्स। सो आप लोगों के ओपिनियन से क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट LF लेजेंड्स लिमिटेड यूनिट है जो हमें देखने को मिल सकती है? सो रिसेंटली इन लोगों ने एंड्रॉइड्स को काफ़ी बफ दिया, तो मुझे लगता है कि क्योंकि लास्ट टाइम अभी इन लोगों ने एंड्रॉयड 21 निकाली F2P, उसके बाद फ्री टू प्ले एंड्रॉयड 18 निकाली, उसके बाद मुझे लगता है कि टैग यूनिट आ सकती है एंड्रॉयड 18-17 की, क्योंकि सेंस के अगेंस्ट भी कुछ होना चाहिए काउंटर करने के लिए, तो फिलहाल तो मुझे यही लगता है। और मे बी अगर कोई न्यू अल्ट्रा आ रही होगी तो माइट बी पॉसिबल है कि एक अल्ट्रा सेल आ सकता है एंड्रॉयड से, तो मेरा बस यही है।
मुझे तो लग रहा है कि जैसे हिंट दे रहे हैं, जैसे इन्हें अभी वेंकाइज भी दिए हैं एंड्रॉइड को, और जैसे कि इन्हें लेने जो एवेल है ये सब, जैसे फ्रीजा भी एक नया आया रिवाइवल, तो उसे भी बहुत बफ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एंड्रॉइड एलएफ या तो एलओई एक आएगा एलएफ, या ऐसा हो सकता है कि एक एंड्रॉइड आ जाएगा, उसको कोई एंड्रॉइड को जेंकाई दे देंगे, या तो ये एक नया एंड्रॉइड एलएफ निकालेंगे, या तो ऐसे ही एलओई में एक नया एलएफ निकालेंगे, या तो कोई जेंकाई दे देंगे। मेरे ख्याल से नेक्स्ट एलएफ कूलर आ सकता है, जिस हिसाब से एलओई को बफ मिल रहे हैं, तो फ्रीजा के दो एलएफ पहले आ चुके हैं, तो शायद इस बार कूलर कूलर को मिल जाए। सो बात करते हैं अल्ट्रा यूनिट्स के बारे में। सो जैसे कि हम लोगों के पास चार अल्ट्रा यूनिट्स हैं अभी करेंटली गेम में, जैसे पहला अल्ट्रा गोकू, देन अल्ट्रा वेजिटा, देन अल्ट्रा ओमेगा, एंड भी रिसेंटली लेजेंड्स फेस्टिवल में आया हुआ अल्ट्रा गोगेटा जो कि बहुत ही ब्रोकन है। सो इन चार अल्ट्रा यूनिट्स पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है? सो पहली अल्ट्रा जो आई थी वो अल्ट्रा गोकू आया था फ्रीजा सागा से, काफ़ी उस टाइम पे फ्री टू प्ले अल्ट्राज निकाली थी इन लोगों ने, और काफ़ी अच्छी यूनिट थी अल्ट्रा, स्टैट्स वाइज भी एसपी के बराबर ही थी ऑलमोस्ट, क्योंकि वो एफ टू पी अल्ट्रा थी तो एसपी यूनिट्स के बराबर थी जितनी भी एफ टू पी अल्ट्राज थी, तो काफ़ी अच्छी यूनिट्स थी। उसके बाद फिर ये लोग फिर वेजिटा लेके आए थे, वो भी काफ़ी अच्छी यूनिट थी, और अल्ट्रा की खास बात है कि उन एफ टू बी यूनिट्स होने के बाद भी उनके पास कवर चेंज दिया इन लोगों ने, तो मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी कि कवर चेंज दिया, और उसके बाद इन लोगों ने अल्ट्रा ओमेगा सेनरॉन निकाला, वो भी काफ़ी डिसेंट यूनिट थी, मैंने तो फ़िलहाल यूज़ नहीं करी थी अल्ट्रा ओमेगा, तो मुझे पता नहीं उसके बारे में, बाकी ये दो यूनिट्स तो काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद फिर जब ये लोग अल्ट्रा गोजीटा लाइफा सम इनेबल अल्ट्रा यूनिट तो काफ़ी ब्रोकन कर दी इन लोगों ने। सो दैट्स इट। मैं बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस अल्ट्रा करेक्टर से ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर मैं जब भी ये आया था गोकू अल्ट्रा गोकू स्टार्टिंग में, तो मैं उसे ग्राइंड ही नहीं कर पाया था पूरा, अभी भी वो मेरा 3 स्टार पे या तो 4 स्टार पे लटका हुआ है। तो इनने ना हार्ड कर दिया ऐसे थोड़ा कि मतलब इसके स्टार्स और कैसे सोल बूश करे वो हार्ड कर दिया है अल्ट्रा को, तो उनको वो इजी करना चाहिए। और फर्स्ट थ्री तो ऐसे ही थे, पर जो अभी ये जो न्यू समन लेवल जो आया है कि इसे समन कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है, और उसको उनने ब्रोकन तो बना ही दिया है गोजीटा को, वैसे ही ब्रोकन था वो और ही हो गया है, तो वो अच्छा है उसमें, क्योंकि कोई सोल बूश करने का कोई इतना वो नहीं है झंझट, आराम से हो जाएगा एक एलएफ यूनिट जैसे, और बस अच्छा है, बहुत अच्छा है उनने बनाया। अल्ट्रा के बारे में कहूँ तो काफी ऑसम यूनिट्स है, अच्छी यूनिट है, डेली तरफ से निकाली गई है चारों, काफी बेटर है, खासकर उनकी यूनिक अल्ट्रा यूनिक जो उनकी है काफी अच्छी है। सो अब नेक्स्ट चीज रहेगी हमारी अल्ट्रा से रिलेटेड, वो होगा क्या हमें कभी अल्ट्रा एलएफ यानी अल्ट्रा लेजेंड्स लिमिटेड यूनिट हमें गेम में देखने को मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो वो कौन सा यूनिट हो सकता है? सो नेक्स्ट अल्ट्रा की बात करें तो मुझे लगता है कि सेल एक बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर रहा है ड्रैगन बॉल जी सीरीज में, तो मुझे लगता है कि सेल को अल्ट्रा दे सकते हैं लोग फ्यूचर में। एक ट्रांसफॉर्मिंग सेल आया था जो कि रिवाइवल था, तो वो काफ़ी सही यूनिट थी, अच्छी यूनिट थी, तो मे भी एक अल्ट्रा से सेल आ सकता है फ्यूचर में। और सेकंड ओपिनियन की बात करें तो सेकंड कैरेक्टर हो सकता है मे भी अल्ट्रा मेटा कूलर, जो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि वो भी एक काफ़ी अच्छा विलन था उस टाइम पे, मूवी आई थी मेटा कूलर वाली। मेरा भी थोड़ा सा सेम है, क्योंकि एलएफ सेल, क्योंकि अभी जैसे एंड्रॉइड को बफ मिल रहा है तो हो सकता है एलएफ सेल आए, और अगर सेकेंड ओपिनियन जो है अल्ट्रा एलएफ यूनिट, तो सबसे हाइप यूनिट तो एमयूआई गोकू होगा, वही सबसे हाइप यूनिट होगा अल्ट्रा, क्योंकि अब तो अल्ट्रा आईटी है तो सब जानते ही होंगे अल्ट्रा वो भी होगा, तो उसे भी ऐसे बना सकते हैं, और
फुल पावर जिरेन भी हो सकता है, एक अल्ट्रा एलएफ तो वो भी हो सकता है। अगर अगले अल्ट्रा यूनिट का कहे तो हाँ डीबीएल डेफिनेटली देगा, अल्ट्रा यूनिट एक और देगा। और मेरे ख्याल से मेरे ओपिनियन से शायद फ्रीजा होगा इस बार, शायद एलएफ भी दे दे, पर शायद अभी नहीं देंगे क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है, नए तरीके की यूनिट्स है अल्ट्रा, तो शायद अभी एलएफ तो आना काफी मुश्किल लगता है अल्ट्रा के साथ। बाकी हाँ अगर नेक्स्ट अल्ट्रा पूछे तो फ्री आ सकता है। सो नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, वो है लेजेंड्स फेस्टिवल से रिलेटेड। सो जैसा कि अभी रिसेंटली लेजेंड्स फेस्टिवल हमें देखने को मिली और उसमें कमाल का हमें समन का सिस्टम देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारी काफी सारी जो यूनिट्स है पुरानी एसपी की 14 स्टार हुई रिसेंटली। आई भी जितने भी स्पार्किंग्स थे वो सारे 14 स्टार भी हुए हैं काफी, और मेरे खुद के हुए हैं समन करते हुए। सो आप लोगों का कैसा समन का एक्सपीरियंस रहा है अभी लेजेंड फेस्टिवल का? हमें एलएफ सॉल ऑफ होप ट्रंक्स देखने को मिला, जमाजू को कुब्लैक असिस्ट देखने को मिला, साथ में स्पार्किंग ग्रीन ब्लॉली और एलएफ डुओ बॉयज एसएसबी गोकू वेजिटा डुओ यूनिट जो हमें पहली देखने को मिली, जिसे आप स्विच कर सकते हो, जो कि बहुत ही ब्रोकन है। सो लेजेंड फेस्टिवल क्या समन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का? तो लेजेंड्स फेस्टिवल की बात करें तो काफ़ी अच्छा टाइम था लेजेंड्स फेस्टिवल, इस बार का लेजेंड्स फेस्टिवल काफ़ी अच्छा रहा। प्लस हम लोग को 5 रेड बॉस मिले, जहाँ से हम लोग अप टू 5 के सीसी ग्राइंड कर सकते थे, तो एज एन F2P काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा तो लेजेंड्स फेस्टिवल में। और काफ़ी न्यू यूनिट्स मिली मुझे, मेरी मोस्ट हाइप यूनिट थी फिलहाल तो एलएफ सॉर्ड ऑफ होप ट्रंक्स, हो जिसपे मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था और फाइनली वो मुझे मिल गया था लेजेंड्स फेस्टिवल में। और उसी के साथ मुझे एलएफ गोकू ब्लैक मिला था 4-5 बार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। न्यू जमासू भी मिला था मुझे असिस्ट वाला, वो भी काफ़ी डिसेंट यूनिट है। लेकिन ये जो गॉड की कि इन लोगों ने यूनिट निकाली थी टैग यूनिट, काफ़ी ब्रोकन कर दी इन लोगों ने। इवन ट्रंक्स भी काउंटर नहीं कर सकता इस यूनिट को अगर इसका स्पेशल मूव एक बार लग जाए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो। मेरा तो बहुत बताऊँ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पिछले लेजेंड फेस्टिवल से तो बहुत ही अच्छा रहा ये, क्योंकि इसमें तो पहले सब सोच रहे थे SOH ट्रंक्स ही आएगा और कोई हो, कोई सोच भी नहीं रहा था कि और कोई आ सकता, पर इनमें जो सरप्राइज दिया लेजेंड्स में एक टैग करेक्टर वो भी इतना ओपी है, तो वो देख के सब शौक रह गए। और सेकेंड तो जो इनने एकदम अच्छा ये किया है कि इनने एकदम 3 times दे दिया था कि इतना आपको मिलेगा, पैसे लिमिट ब्रेक आप कर सकते हो 3 times एक्स्ट्रा, मतलब अगर आप एक बार करेंगे तो उससे एक बार से 3 times मोर मिलेगा, तो वो भी बहुत अच्छी चीज की थी। और जो और तो बहुत अच्छा ही, मैं तो सोच भी नहीं रहा था कि कोई और आएगा SOS ट्रंक के अलावा, तो ये बहुत अच्छा किया लेजेंड्स ने इस बार के। अगर लेजेंड फेस्टिवल के बारे में कहूँ तो हाँ काफी अच्छा था, बहुत शानदार था मेरे लिए तो, बहुत शानदार था। लास्ट ईयर तो पूरा शाफ्ट गया था, इस ईयर काफी अच्छा गए, सारे यूनिट्स मिले एक को छोड़ के, असिस्ट यूनिट जो थी उसको छोड़ के, ब्लूबर्स के पहली डुओ यूनिट टैग यूनिट काफी शानदार, मुझे 13 स्टार भी हो गए मेरी, काफी अच्छी यूनिट है। सॉर्ड ऑफ ट्रंक का बोले हाँ तो वो भी काफी अच्छा है, काफी अच्छा रहा मेरे लिए इस साल का लेजेंड फेस्टिवल। सो नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, वो है गेम पे डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो आप लोगों को क्या लगता है कि F2P वालों के फायदे के लिए गेम वालों को क्या क्या करना चाहिए? जितनी भी पुरानी बेस है लेजेंड्स की, जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं लेजेंड्स को, उन लोगों के फायदे के लिए ये लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से नॉट ओनली गेम डेवलपमेंट वालों का फायदा हो बल्कि हम जितने भी प्लेयर्स हैं हम लोगों का भी फायदा हो? सो काफी मुझे लगता है कि अभी भी इस गेम में F2P यूजर्स को लेकर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इस गेम में। पहली चीज तो मैं बात कहूँगा लेजेंड्स लिमिटेड कैरेक्टर के बारे में। सो मुझे लगता है कि इन लोगों को इवेंट लाना चाहिए, जितनी भी ओल्ड लेजेंड्स लिमिटेड यूनिट्स हैं वहाँ से हम लोग ग्राइंड कर पाए उसकी जी पावर, जैसे कि एलएफ नेमिक गोकू काफ़ी ओल्ड हो गई है, तो मुझे लगता है एक अच्छा बैलेंस देख पाएंगे एक गेम में। उसके बाद मैं बात करूँगा LFZ पावर के बारे में,
और मुझे लगता है कि इनको ऐड करना चाहिए पीवीपी रिवॉर्ड्स में, लेजेंड्स लिमिटेड जी पावर, जहाँ पे हर 15 दिन में रिवॉर्ड्स में मिल पाए उनको लेजेंड्स लिमिटेड जी पावर रैंक ग्राइंड करने के बाद। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा एफ टू पीज के लिए। मैं बताऊँ तो इनको फ्री टू प्ले और जो न्यू प्लेयर आ रहे हैं उनके लिए इन्हें एक ये सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें वो कोई भी एक एलएक्स यूनिट अपना फेवरेट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे गेम में खेल सकते हैं। उससे ये रहेगा कि उन्हें अच्छा भी लगेगा खेलने में क्योंकि उनके पास अपना फेवरेट प्लेयर है, और दूसरे उन्हें इवेंट्स खेलने में भी मजा आएगा, तो वो एक रहेगा। और जैसे कि बड़े बड़े जो इवेंट्स आते हैं जैसे एनिवर्सरी, लेजेंड फेस्टिवल, इस पे ये होई पोई जो कॉइन्स इस बार इन्हें दिए उसमें भी 200 मल्टी एलएफ मल्टीपी पावर दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा किया इन्हें फ्री टू प्ले के लिए। तो वो ऐसे ही और भी इवेंट ला सकते हैं, तो जिससे फ्री टू प्ले के लिए अच्छा रहेगा और जो न्यू प्लेयर्स हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अभी कहूँ एफ टू प्लेयर्स के लिए तो काफी अच्छा हो गया, पहले से काफी बेटर हो गया है। डीबीएल वाले भी समझ रहे हैं अभी एफ टू प्लेयर्स को, तो धीरे धीरे के वो भी यूनिट दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और फिर भी अभी जब थोड़ा खेलते तो बोर लगता है गेम, मेरे ख्याल मेरे ओपिनियन से तो इनको रिवॉर्ड और थोड़े और जोड़ लेने चाहिए, रिवॉर्ड थोड़े और दो। और अगर आपने कभी 7 Deadly Sins खेला हो ग्रैंड क्रॉस, उसमें अगर देखा हो तो उसमें मिनी गेम्स रहते हैं, वैसे अगर मिनी गेम्स थोड़े और जोड़ दे इसमें इस गेम में डीबीएल में तो काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो अब बात करते हैं लेजेंड्स के फ्यूचर के बारे में कि आप लोगों को क्या लगता है लेजेंड्स के फ्यूचर में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, जैसे कि कोई नया गेम मोड ये लोग हमें देख सकते हैं, कुछ यूनिक जो हमने अभी तक नहीं देखा है गेम में, या फिर कोई कुछ ऐसे नए फीचर्स जो आने चाहिए गेम में जो हमारे फायदे के लिए हो। सो फ्यूचर अपडेट्स की बात कहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं न्यू गेम मोड के बारे में बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है इन लोगों को एक मोड लाना चाहिए जहाँ पे दो प्लेयर्स अगेंस्ट 2v2 गेम मोड लाना चाहिए, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करके सामने वाले ओपोनेंट से फाइट कर सकते हो 2v2, तो वो काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसमें रिवॉर्ड्स वगैरह इंक्लूड कर दे तो और बेटर एक्सपीरियंस रहेगा उसका। और मुझे लगता है क्योंकि जो नई यूनिट्स आ रही हैं एलएफ यूनिट्स जिनके पास यूनिक गेज दे रहे हैं जो यूनिट्स को, ये लोग मुझे लगता है उन यूनिट्स के गॉज को काउंटर करने के लिए कुछ लाना चाहिए जहाँ पे ग्रीन कार्ड से यूनिक गेज रिड्यूस कर पाए वो 10-15% 2-3 टाइमर काउंट के लिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि ऑलरेडी अल्ट्रा को जीता इतना ब्रोकन है, और भी जितनी भी फ्यूचर में यूनिट्स आएंगी वो भी ब्रोकन होगी स्पेशली जिनके पास यूनिक गेज है। मैं न्यू गेम मोड तो अभी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, पर अगर आए तो उसमें जैसे कि अभी लीजन ने बोला कि पीवीवी मोड में ये चेंजेस कर सकते हैं, और जैसे 2v2 और 3v3 4v4 ऐसे कर सकते हैं, और भी गेम मोड जैसे अभी टूर्नामेंट ऑफ पावर है वो इतना भी कुछ बढ़िया नहीं है, उसे इनमें उनमें ऐसा कर सकते हैं कि एक जाइंट बहुत जैसे टोपो है उसके सामने गोहान गोकू वेजिटा ऐसे 3-4 एक साथ लड़े तो ऐसे भी अच्छा रहेगा। अगर डीबीएल के फ्यूचर के बारे में कहें तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा पहले स्टोरी मोड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो स्टोरी मोड बहुत सिंपल है इनका, काफी सिंपल है, नॉर्मल मिशन जैसा ही लगता है, स्टोरी मोड में थोड़ा चेंजेस करें तो काफी अच्छा है। अगर न्यू मोड की बात करें तो रेड ला सकते हैं 5v1, अभी जो करते हैं दो प्ले के साथ तो क्या नॉर्मल लगती है, क्या थोड़ा बड़ा रेड जैसे सामने बिग बॉस बैटल हो 5 प्लेयर यहाँ पे हैं, लाइक पबजी में स्क्वाड बनाकर चलते हैं वैसे 5 बंदे हो सामने एक बड़ा बॉस हो, जैसे वो जारूफ हो गया उसको डिफीट करना है, उसमें जैसे रिवॉर्ड्स हो गए वो डबल ट्रिपल मिले, काफी कुछ जोड़ सकते हैं इस तरह के मोड। और एक और चीज, अभी शैलोट से रिलेटेड हमें चीजें देखने को नहीं मिली है, तो क्या हमें फ्यूचर में शैलोट से और स्टोरी मोड से रिलेटेड भी कोई चीज हमें देखने को मिल सकती है? शैलोट को मुझे लगता है अब इन लोगों को लास्ट टाइम इन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन एक साल पहले दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, एक साल तो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन दिए हुए, तो मुझे लगता है इन लोगों को शैलोट को
एनिवर्सरी तक तो ट्रांसफॉर्मेशन दे देना चाहिए SSB का, सुपर सेंट ब्लू का। एक प्लेबल गिबलेट और जहा ला सकते हैं लोग, फ्री टू प्ले यूनिट्स काफ़ी सही रहेगा। कि हम लोग ने अभी तक गिबलेट के बारे में, गिबलेट के बारे में हम लोगों को पता नहीं है उसकी मिस्ट्री ज़्यादा कुछ, उसकी मिस्टीरियस पावर के बारे में। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है। ओके तो गाइज ये था हमारा आज का डिस्कशन का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो और काफ़ी अच्छे ओपिनियन दिए हैं इन लोगों ने अपने। सो गाइज आप लोग कुछ कहना चाहोगे एंड में, जो ऑडियंस हमारी ये वीडियो देख रही है या फिर जो लेजेंड्स के नए प्लेयर होंगे जो इतना लेजेंड्स के बारे में नहीं जानते होंगे उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? सो ये गेम आया था 2018 में और उस टाइम पे काफ़ी इसका, जब मैं खेलता था तो काफ़ी मतलब क्लासिक सा UI था इस गेम का। और करेंटली मैं बात करूँ काफ़ी इम्प्रूव कर दिया इन लोगों ने UI, बहुत एनहांस बना दिया यूज़र एक्सपीरियंस को। और मैं अभी कल मैं देख रहा था पुराने गेम प्ले का वीडियो, तो वही देख रहा था कि मैं एनिमेशन से इन लोगों ने काफ़ी इम्प्रूव किए कैरेक्टर के और गेम प्ले की, गेम लोडिंग स्क्रीन को एनहांस किया है, काफ़ी फास्ट लोडिंग हो जाती है गेम की। ये तो मेरा ये वाला था। और फ्यूचर की बात, और मेरा F2P बेस के लिए रहेगा कि जितने भी न्यू यूज़र्स अब गेम में आएंगे मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है उनको, क्योंकि अभी भी ये लोग लेजेंड्स वाले काफ़ी F2P यूनिट्स निकाल रहे हैं और उनके स्टैट्स भी काफ़ी डिसेंट दे रहे हैं। और अब तो अल्ट्रा रेयरिटी भी आ गई है, हम लोग के उस टाइम पे तो LF एक नया एक्सपीरियंस था LF यूनिट का, लेजेंड्स लिमिटेड जब फर्स्ट एनिवर्सरी आई थी। और उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था कि फ्यूचर में ये भी हो सकता है अल्ट्रा रेयरिटी का, और काफ़ी इम्प्रूव किया उस टाइम से 2022 की बात करें तो। मेरी तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक एडवाइस है कि गेम को मुश्किल समझ के छोड़ देना ये सही नहीं रहेगा। आप एनिवर्सरी के टाइम आके इंस्टॉल कर सकते हैं या तो उससे एक महीने पहले, और गेम को थोड़ा समझने की कोशिश करें। मुझे पता है मैंने स्टार्टिंग में इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगा था, ऑलमोस्ट 3-5 मंथ्स लग गए थे सही से पूरा UI समझने में, पूरे इवेंट समझने में, स्टोरी मोड कैसे, क्रोनो क्रिस्टल जमा करने कहाँ कहाँ से, तो वो टाइम लगता है समझने में। और हमारे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स भी, जैसे अभी तो रोजे YT और ओमेगा और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं जो हमें समझाने के लिए कैसे खेलना है क्या करना है बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो उनके वीडियो चेकआउट करके भी देख सकते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलेगी, तो उन्हें आपको गेम में और ही अच्छा लगेगा, उनसे हेल्प भी मिलेगी और बहुत मजा आएगा खेलने में, तो ऐसे लीव ना कर दे मुश्किल समझ। एंड बस यही कहना चाहूंगा गाइस, इस गेम को ट्राई करो, काफी अच्छा गेम है और डिविल कम्युनिटी को आगे बढ़ाइए। तो गाइस यही था आज का हमारा वीडियो और थैंक्स PGG INDY और UltraHX को भी, इनका गेम प्ले आपने देख लिया होगा। सो इन लोगों को भी थैंक्स गेम प्ले प्रोवाइड करने के लिए एंड सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत की है ये वीडियो बनाने में, सभी का उतना ही इनपुट रहा है। तो आप लोग इनके इंस्टाग्राम जाके चेकआउट करना, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी ये लोग DBL और ड्रैगन बॉल लेजेंड्स से रिलेटेड काफ़ी पोस्ट और गेम प्ले वीडियोज़ वगैरह डालते रहते हैं इन्फॉर्मेशन। सो जो लोग नए प्लेयर्स हैं वो लोग इनको चेकआउट करें और इनके इंस्टाग्राम में कंटेंट देखें लेजेंड्स से रिलेटेड। और अगर ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो नए आए हो और DBL कम्युनिटी को सपोर्ट करो। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, स्टे सेफ, पीस आउट।